सरकारी अस्पतालों में भले ही वैक्सीन लगवाने के प्रति स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना से लड़ने वाली वैक्सीन को लेकर काफी उत्साह है। रोहतक के स्वास्थ्य विभाग में होली हार्ट अस्पताल में 150 वैक्सीन की डोज भेजी गई, जिसे लेकर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला का धन्यवाद किया। सिविल सर्जन रोहतक की तरफ से होली हार्ट हॉस्पिटल रोहतक के अंदर वैक्सीन को वितरित किया गया है, जिसके अंदर आज सिविल सर्जन ने हमारे पहले स्टाफ को लगाने के लिए ट्रेन किया है और नियर अबाउट 150 के नियर अबाउट वैक्सीन की डोज दी गई है, जो हमने अपने स्टाफ को भी लगानी शुरू कर दी है। नियर अबाउट 60-70 के आसपास कोरोना वॉरियर्स को वो डोज लग चुकी हैं और शाम होते होते तक वो 150 के आसपास जितनी भी वो डोज है वो सारी लगा दी जाएंगी। इसके अंदर हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स, जो डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, चाहे वो नर्सिंग है, वो सारे ही हमारे यहाँ कोरोना वॉरियर्स ही हैं। उन्होंने पूरी तरह से पूरा सहयोग भी पूरा किया है और इसके लिए हम सिविल सर्जन रोहतक का भी धन्यवाद करते हैं और सबसे ये गुजारिश भी करते हैं कि वैक्सीन से आपको डरने की भी कोई जरूरत। होली हार्ट अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अंकुर बत्रा की माने तो कोरोना के खिलाफ लड़ने वाली वैक्सीन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके अस्पताल में भेजी गई, जिसके लिए वो सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला का धन्यवाद करते हैं और उनका पूरा स्टाफ इस वैक्सीन को लेकर काफी उत्साहित है। डॉक्टर बत्रा ने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाकर कोरोना की लड़ाई में अपना योगदान देने की अपील की है। साथ ही साफ कहा है कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए किसी भी भ्रम में न आए और जब भी उनका नंबर आए वैक्सीन की डोज लें। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।